गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 27। बच्चे पेज नंबर 27, लेसन 4th रेनी डे। एंड नाउ इट्स योर रीडिंग टाइम। ओके, तो सो पुट योर फिंगर्स अंडर द लाइन एंड रीड विथ मी। आपको मेरे साथ ही रीड करना है, रीडिंग करनी है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रेनी डे है, रेनी डे के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है, हम आज फिर रीडिंग करके पढ़ेंगे। तो आपको फिंगर रखनी है और आपको रीडिंग करनी है। द स्काई इज ग्रे, देयर आर ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज रेनिंग। क्या है, आसमान में ग्रे कलर के बादल हैं। आसमान का कलर क्या हो गया है, ग्रे हो गया है। और वहाँ कैसे बादल छा गए हैं, ग्रे कलर के। इट इज रेनिंग, और क्या हो रही है, बारिश हो रही है। मिनी द रैबिट वांट्स टू प्ले आउटसाइड, मिनी जो रैबिट है वो कहाँ जाना चाहती है, बाहर जाना चाहती है। वेयर इज माई न्यू रेड अम्ब्रेला, वेयर इज माई न्यू रेड अम्ब्रेला, मेरा नया लाल छाता कहाँ है, किसने बोला, मिनी ने बोला। नाउ टर्न योर पेज, मिनी पुट्स ऑन द ग्रीन कोट टू कीप द कोल्ड अवे। अब मिनी ने क्या पहन लिया है, ग्रीन कोट पहन लिया, ग्रीन कलर का, और किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए उसने ग्रीन कोट पहन लिया है। शी देम वियर्स येलो सॉक्स एंड ब्लू शूज, और उसने कैसे कलर के सॉक्स पहन रखे हैं, येलो यानी कि पीले कलर के जुराब पहन रखे हैं, और ब्लू सॉक्स शूज और नीले कलर के शूज पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं। शी पुट्स ऑन हर पर्पल हैट, और कैसी हैट है उसकी, पर्पल हैट है, वो भी पहन ली है। एंड गोज आउट टू प्ले, और कहाँ चली गई है वो, बाहर खेलने के लिए चली गई है। शी जम्प्स विद जॉय, और किससे उछल गई है, जॉय मतलब खुशी से, किससे उछल गई है, जॉय से वो उछल गई है, खुशी से वो उछल गई है। क्यों उछली हो खुशी से, गेस व्हाट, आप बोलो क्यों उछली होगी वो खुशी से। शी सीज अ बिग रेनबो, उसने क्या देख लिया है, एक बहुत बड़ा क्या देख लिया है, रेनबो देख लिया है। रेनबो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। तो उसने बहुत बड़ा इंद्रधनुष देख लिया है, तो इंद्रधनुष देख के वो खुश हो गई है। तो आजकल जैसे हमारा रेनी डे चल रहा है, तो आजकल आपको भी क्या दिख जाएंगे, आराम से क्या दिख जाएंगे, इंद्रधनुष दिख जाएगा। अब जब बारिश होती है आप देखिएगा, उससे पहले या कभी कभी बाद में या पहले कभी आपको रेनबो दिखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम रीडिंग करेंगे। अब आपके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं। तो आज के हम डेट डालेंगे 25 और लिखेंगे रेनी डे। रेनी डे हमने लिख दिया, अब लिखेंगे इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में स्काई, स्काई मतलब होता है आसमान, जिसे हम आकाश भी बोलते हैं। क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल। रेन, रेन मतलब बारिश। रैबिट, रैबिट मतलब आपको पता है खरगोश। आउटसाइड मतलब बाहर। न्यू, न्यू मतलब नया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। तो इनको क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद इनको आप लर्न भी करेंगे। ओके।